वेलकम टू माय चैनल अजीम इन्फोटेक। दोस्तों मेरा नाम है जाका अंसारी और आज मैं बताऊंगा विंडोज़ लॉगिन कैसे करेंगे न्यू लैपटॉप में विदाउट इंटरनेट। जब भी हम न्यू लैपटॉप परचेस करते हैं उसमें विंडोज़ इनबिल्ट अगर है तो हम लॉगिन कैसे करेंगे विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और विदाउट इंटरनेट। दोस्तों ये स्क्रीन आने के बाद नेक्स्ट नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद कैसा कंटिन्यू करना है और क्या प्रोसेस करना है वो मैं बताता हूँ आपको। इधर यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट F10 बटन प्रेस करो। F10 बटन प्रेस करने के बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे हम एक कमांड डालेंगे टास्क MGR। ये कमांड डालने के बाद एंटर करो, आपका टास्क मैनेजर का एक ऑप्शन ओपन होगा। टास्क मैनेजर का ऑप्शन ओपन होने के बाद यहाँ पे हमको सर्च करना है नेटवर्क कनेक्शन फ्लो करके, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एंड टास्क करना है। एंड टास्क जैसे करेंगे आप यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब जैसे हम बैक साइड में क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालने के लिए ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे कुछ भी नेम डाल दीजिए, आपका नेम या जो भी है, तो आप विदाउट इंटरनेट इसके आगे आप कंटिन्यू लॉगिन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन आने के बाद हमारा विंडोज़ लॉगिन अभी हो जाएगा। एक ये कमांड से आप कर सकते हो, अगर ये कमांड से नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप है, दूसरा कमांड भी है। तो शिफ्ट F10 प्रेस करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, टास्क MGR के जगह पे आप दूसरा एक कमांड है कैपिटल में डालेंगे WBE/bypass NRO, ये भी कैपिटल में डालना है। उसके बाद एंटर करिए, फिर उसके बाद सेम आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और लॉगिन आप कर सकते हो विदाउट इंटरनेट और विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू। तो ये दो कमांड है जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट विदाउट इंटरनेट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।